हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। आपके सामने दो सेंटेंसेस है। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किस सेंटेंस को आपको किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए? जस्ट सोचिए। तो आपने सोच लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस सेंटेंस को किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है वो डिफरेंस बताएगा आपको कि कब आपको बोलना है आई विल डू इट और कब आपको बोलना है आई एम गोइंग टू डू इट या आई एम डूइंग इट। देखिए, मैं दोनों में फ्यूचर की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको कोई काम करना है इवनिंग में तो आप क्या बोलोगे? आई विल डू दिस इन द इवनिंग। और दूसरा क्या है? आई एम डूइंग दिस इन द इवनिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझो, जब भी आप विल का यूज करते हैं इसका मतलब आपने वो चीज जस्ट डिसाइड की है, आपने अभी अभी ये डिसीजन लिया है कि मुझे ये करना है इवनिंग में, दैट वॉज जस्ट डिसाइडेड, इसीलिए आपने विल का यूज किया है। ठीक है, यानी मैं इसे इवनिंग में करूंगा, मैं इवनिंग में एक फिल्म देखूंगा, आई विल वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। तो ये आप बोल रहे हैं क्योंकि आपने अभी डिसाइड किया है आई विल वॉच अ मूवी। लेकिन अगर प्री डिसाइडेड होता है, यानी आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, तो फिर आप कहते हैं आई एम डूइंग इट। तो अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप इवनिंग में मूवी देखेंगे तो आपको बोलना है आई एम वॉचिंग अ मूवी इन द इवनिंग, फिर आप विल नहीं बोलोगे। तो विल हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग, यानी जिस समय आप डिसाइड करते हैं उस समय आपको बोलना है विल। और अगर पहले से ही डिसाइड हो रखा है फिर आपको यूज करना है आईएनजी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक पार्टी मैंने रखी है और एक मेरा स्टूडेंट है और मैं उन्हें कहता हूं कि एक काम करते हैं कल इंस्टीट्यूट में पार्टी रखते हैं। तो फिर वो क्या बोलेगा कि ओके सर दैट्स ग्रेट, आई विल इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स और आई विल इन्वाइट ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो घर जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, फिर वो क्या कहता है कि कल सर एक पार्टी रख रहे हैं एंड आई एम इनवाइटिंग ऑल द फ्रेंड्स। अब इस समय, यानी पहले उसने आई विल इनवाइट क्यों बोला था? क्योंकि उसने जस्ट डिसाइड किया था। लेकिन इवनिंग में जब अपने फ्रेंड्स से मिलता है तो आई एम इनवाइटिंग ऑल द फ्रेंड्स क्यों बोला? क्योंकि अब वो प्री डिसाइडेड है, वो पहले से डिसाइड हो रखा है। तो अब आप समझ गए डिफरेंस, जो काम आप ऑन द टाइम व्हेन यू डिसाइड समथिंग उस समय कहते हैं देन यू से आई विल डू इट, और जब आप किसी काम को आप एकदम डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने करना है, आपने नोट कर लिया, माइंड में है, और उसके बाद फिर आप बोलोगे तो फिर आएगा आई एम डूइंग इट। जो मैंने शुरू में सेंटेंस कहा था आई विल गो टू मुंबई टुमारो, मान लो कि ऑफिस में आप एक मीटिंग में हैं और आपका बॉस बोलता है कि मुंबई में हमारे एक क्लाइंट से मिलने जाना है, तो कौन जाएगा? तो फिर आप उठते हैं और आप कहते हैं सर आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो। ओके, लेकिन आप घर जाते हो, फिर शाम को आप अपनी वाइफ से डिस्कस करते हो, तो आप अपनी वाइफ को बोलते हो कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्यों? क्योंकि अब वो डिसीजन जो है वो प्री डिस्कस्ड प्री प्लान हो चुका है, यानी वो पहले ही उसका डिस्कशन हो चुका है, आपने शेड्यूल बना लिया है। तो अब आएगा आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, अब वहां पर आप आई विल गो टू मुंबई टुमारो नहीं बोलोगे। अंडरस्टैंड? आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा इन दोनों में डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।